दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल यादव आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक को कैसे लॉक या अनलॉक करेंगे। इसके लिए आप सिंपली गूगल में टाइप कर लीजिए UIDAI और इसके UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद UIDAI का होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर दिख रहा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, इस पर क्लिक कर लेना है। अगला जो पेज ओपन होगा, इस पेज में हमें अपना UID नंबर, अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके नीचे सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सेंड OTP के लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड OTP करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे जो कि आधार से लिंक है, उस नंबर पर आपका एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा, जिसको कि राइट साइड में दिख रहा है एंटर OTP, यहाँ पे क्लिक करके और अपना OTP एंटर कर लेना है और इसको लॉगिन कर देना है। फिर अगला पेज आएगा जिसमें आपको फिर से सिक्योरिटी कोड एंटर करना है, तो जैसा लिखा है वैसा एंटर करके और इनेबल पे क्लिक कर देना है। आपको अगला पेज दिख जाएगा जिसमें कंग्रेचुलेशन योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड, आधार का बायोमेट्रिक है वो लॉक्ड हो गया है। दोस्तों इस तरह से आप अगर चाहें तो अपना अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए लॉगिन करके सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। ये रहा आधार के बायोमेट्रिक को लॉक या अनलॉक करने का प्रोसेस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।